आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। जी हाँ, इसके बारे में आपने सुना होगा। 710 प्रोसेसर जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और क्या ये प्रोसेसर अच्छे लिंक शेयर करता है या इसकी कैटेगरी कैसी है, ये किस तरीके से काम करता है, यही सब बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने अपने मिड रेंज प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 और स्नैपड्रैगन 845 के बीच की कैटेगरी के लिए स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर की अनाउंसमेंट कर दी है। जी हाँ, ये चिप कंपनी के पिछले साल अनाउंसमेंट करी स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का पहला प्रोसेसर है। क्वालकॉम का कहना है कि ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 के मुकाबले दो गुना ज्यादा A1 पावर देगा, जिससे बहुत सी एप्लीकेशंस वॉइस बेस्ट यूजर इंटरफेस फोटोग्राफी और बायोमेट्रिक्स की परफॉर्मेंस में इजाफा होगा। आपको बता दें कि स्नैपड्रैगन 710 SoC X15 LDI के मॉडेम के साथ आता है। क्वालकॉम का ये भी कहना है कि ये कैट 7 लाइट से 2.5 गुना ज्यादा तेज होगा। आपको बता दें कि 4x4 MIMO टेक्नोलॉजी से बेहतर सिग्नल क्वालिटी के साथ 800 Mbps तक की तेज डाउनलोड स्पीड भी इसमें मिलेगी। क्वालकॉम का ये भी कहना है कि चाहे सिग्नल कमजोर ही क्यों ना हो, यूजर्स फोन में 4K वीडियो और मूवीज देख पाएंगे। वैसे इसके अलावा ये चीपेस्ट 32 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का सिंगल कैमरा और 20 मेगापिक्सल तक का ड्यूअल कैमरा सपोर्ट कर सकता है। ये सुपर स्लो मोशन वीडियो कैप्चर भी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।